आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जैस्मिन के बारे में बताने वाले हैं कि जैस्मिन किस तरह पौधा होता है। इसमें फूल कई प्रकार का ये फूल होता है, किसी में खुशबू होता है, किसी में खुशबू नहीं होता है। जैस्मिन का जो पौधा होता है, किसी में खुशबू होता है, किसी में नहीं होता है, कुछ इस तरह का फूल होता है। ये बहुत सुंदर फूल होता है और ये समझिए बेल के समान, इस लतड़ के समान फैलते रहता है। ये आपका जितना इसको फैलाइए, ये गांच की तरह नहीं होता है, ये लतड़ की तरह होता है। देख सकते हैं इसका बेल जो है हमेशा लतड़ ऊपर जाते रहता है। यदि आपको इस बेल को आप इसे कटिंग कर दें तो आपका गमले में ही सीमित रहेगा। यदि इसी को बढ़ने देते हैं तो आपको जैसे कि गेट में आपको गेट का शोभा बढ़ाना है तो आप गेट का शोभा इसे बढ़ा सकते हैं। आप इसे इसके बस बेल इसे चढ़ाते जाएं तो आपका बेल गेट का शोभा बढ़ाएगा। यदि आपको केवल गमले में ही रखना है तो आप इसे कटिंग करते जाएं ताकि ये छोटा रहेगा और ये गुलदस्ता के जैसा फूल देगा। तो ये है जैस्मिन का पौधा। अब इसे ग्रो कैसे करना है, इसे कटिंग कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो में नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अब इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि इस पौधा कटिंग आप घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। यदि आपके घर में है, आस पड़ोस में है, तो आप कटिंग करके इसे लगा सकते हैं। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप नर्सरी से इसे लाएं। नर्सरी में 50 से 60 रुपये में ये मिल जाता है। हम इसे ग्रो करके कटिंग से ही लगाए हैं, पर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जैस्मिन का पौधा आप नर्सरी से ला सकते हैं। इसका आपको लगाना किस तरह है इसके बारे में हम बताएंगे। आप वीडियो अंत तक देखें, बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है। इसका उपयोग, इसका जो ये पौधा जो है इतना शुभ पौधा है, इसका जो हवा जो आपको टकरा कर घर में वातावरण को जो शुद्ध करता है, बहुत ही अच्छा पौधा है। इसलिए आदमी इसको गेट में लगाता है कि हमारा जो हवा जो टकरा के आए घर में आए वो शुद्ध वातावरण करे। इसमें ऑक्सीजन का मात्रा, आपको कार्बन का मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए ये पौधा लगाया जाता है। इस ये जो हमारा घर में पौधा लगा हुआ है इसमें खुशबू बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल खुशबू नहीं है। और एक और पौधा आता है, इसका प्रजाति बहुत तरह का होता है, किसी में खुशबू होता है, किसी में नहीं होता है। तो ये जो हमारा पौधा है इसमें खुशबू नहीं है, पर ये गुणों से भरपूर है। इसके बारे में हम अब बताएंगे कि इसको कटिंग आप कैसे लगाएं। तो आपको करना क्या है, एक पेंसिल का आकार का लेना है और आप इसे पेंसिल का आकार का लें, केवल एक बित्ता का लें। हम आपको काट के दिखाएंगे। तो इसमें जो हमारा है पौधा, ये हमारा पेंसिल का आकार का पौधा नहीं है, इसलिए ये हमारा पौधा छोटा है। हम आपको केवल बता सकते हैं, हम इसे काट कर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब पौधा इतना पतला पतला पौधा नहीं लगेगा। करीब लगना है आपको हम बता देते हैं, करीब पेंसिल का आकार का ये जो पौधा, ये जो डंठल देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मोटा है, हल्का पतला रहना चाहिए, कुछ इस प्रकार का रहना चाहिए। जो हम लगाए हैं कुछ इस प्रकार का रहना चाहिए। तो इतना ही आपका कटिंग, इसको काट लें, इस जगह से काट लें और इसे पेंसिल जैसा छील लें। छीलने के बाद आप हल्दी लगाकर आप इसे डीपली इस तरह करके इस तरह गड्ढा कर दें, इस तरह गड्ढा करके देख सकते हैं, इस तरह गड्ढा कर लें। गड्ढा करके आप इसे दाब दें। दाबने के बाद आप दोनों हाथ से ऐसे करके लगा सकते हैं। बस आपको 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें बहुत ही आसानी से गांच ग्रो होने वाला है। और आपका ये जो मेरा गांच है, ये कम से कम 3 महीना का ये गांच है, 3 महीना गांच है। 3 महीना में अच्छा फूल दे रहा है, बहुत ही अच्छा फूल देता है। देख सकते हैं इसका कोढ़ी इस तरह होता है, इस प्रकार होता है, इस प्रकार कोढ़ी होता है, देख सकते हैं इस प्रकार कोढ़ी होता है। और फूल सुबह सुबह आपको अच्छा भर गमला देखने को मिल जाएगा। पर इसे अब जब भी आपको बेल को बड़ा नहीं करना है, आपको कहीं पहुंचाना नहीं है, आपको जैसे दीवार पर चाहे गेट पर सजाना नहीं है, तो आप इसे ऊपर से कटिंग करते हुए जाएं ताकि इसका जड़ जो है मोटा हो जाएगा। तो ये आपका भर गमला फूल देगा, जितना आप इसे कटिंग करेंगे उतना ही ये आपका भरपूर फूल देगा। तो इसे आपका, अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें आप चाहे तो गोबर खाद दे सकते हैं, आप चाहे तो फर्टिलाइज़र, आप हम हमेशा बताते फर्टिलाइज़र के बारे में बताते हैं कि इसमें आप प्याज डाल सकते हैं, प्याज आलू जो भी छिलका आपको निकलता है उसे पानी में डाल दें, उसके ऊपर ढक्कन डाल दें। 2 दिन के बाद 2 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाकर इसे
इसके इस पर दें, इसका पत्ता जो है इसका पत्ता अच्छा एकदम ग्रीन ग्रीन रहेगा, इस तरह पीला नहीं पड़ेगा और फूल जो है इस तरह खिलेगा नहीं, तो क्योंकि फूल होता है जो इस टाइप का बंधा हुआ रहता है और इसमें भरपूर मात्रा से विटामिन मिलते रहेगा तो यह फूल हमेशा ऐसे खिल जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।